Hello students, good morning. Today I am here with the story Golu Grows a Nose, written by Rudyard Kipling. This is from your book An Alien Hand. In this story, the reader are told how elephants got drunk. रीडर्स को इस स्टोरी में बताया गया है कि ये जो एलिफेंट्स होते हैं इनकी ट्रंक कैसे बनी. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी. एंजॉय द स्टोरी एंड लिसन केयरफुली. देयर वॉज अ टाइम वेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. मतलब बहुत टाइम पहले की बात है जब एलिफेंट्स के पास क्या नहीं था, ट्रंक नहीं हुआ करती थी. गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. एक यहाँ पर बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है गोलू और इसकी नोज कैसी थी, बल्जी. बल्जी मीन्स होता है थोड़ा सा बाहर, कर्व लेकर बाहर निकली हुई, उभरी हुई. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपकी बल्जी नोज है. इट्स फुल ऑफ क्वेश्चंस. ये जो गोलू है बेबी एलिफेंट, ये बहुत क्वेश्चन पूछता था. किसी से भी मिलता था तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था. ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स. अब देखिए, इसके मन में ना एक ख्याल आया कि ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो क्या खाते हैं. अब इसका पता करने के लिए ये लिम्पोपो रिवर जाता है देखने के लिए कि वो क्या खाते हैं. चलिए, द स्टोरी स्टार्ट्स विथ दिस लाइन. लॉन्ग 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 एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. तो बहुत सदियों पहले, बहुत 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 सदियों पहले, एलिफेंट हैड नो ट्रंक. पहले एलिफेंट की ट्रंक नहीं हुआ करती थी. ही हैड ओनली बल्जी नोज, ये उभरी हुई जो नोज होती है वो हुआ करती थी. एज बिग एज अ बूट, जैसे कि एक बूट होता है. ही कुड बिगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. बिगल यानी कि हल्का सा मूवमेंट करना, थोड़ा सा मूव करता था साइड टू साइड, इधर मूव कर लिया, इधर मूव कर लिया, इतना मूवमेंट कर सकता था. बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन इससे कोई चीज़ें नहीं उठा सकता था. भाई इससे चीज़ें कैसे उठाएगा, तो बहुत छोटी सी नोज थी. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल बूट. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. ये देखिए, ये ऑस्ट्रिच है. अब क्या है, ये जो गोलू है एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम है गोलू, तो वो क्या करता है. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, जिसे सब गोलू बुलाते थे. ही टू हैड नो ट्रंक बट अ बल्जी नोज, जिसके पास ट्रंक नहीं थी, सिर्फ बल्जी नोज थी. क्यों, क्योंकि बहुत सदियों पहले एलिफेंट के ट्रंक नहीं हुआ करती थी, बल्जी नोज हुआ करती थी. एज अ स्मॉल बूट, और कैसी दिखती थी, जैसे कि स्मॉल बूट दिखता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, ये गोलू है बहुत क्वेश्चन पूछा करता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. भाई आप जो है दूसरी बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करती हो, आपको भी फ्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं करती हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, ये जिराफ जी हैं, इनसे क्या पूछता है,
वॉट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. अभी देखिए ये बहुत सारे स्पॉट स्पॉट टाइप के स्किन में दिख रहे हैं. तो अब ये जो गोलू है वो जिराफ से पूछता है कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है, इतने सारे स्पॉट्स क्यों दिखते हैं उस पर. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून. बबून एक मतलब मंकी टाइप का एनिमल होता है. उससे क्या पूछता है, व्हाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. अब बताइए भैया तरबूज जो है वो तरबूज की तरह ही उसका टेस्ट क्यों होता है ना. तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछा करता था. द ऑस्ट्रिच द जिराफ द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस. अब ये सारे के सारे जो थे लोग इनके पास कोई आंसर नहीं था बताने के लिए. गोलू के क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे. गोलू इज अ नॉटी बेबी. ये कैसा था, बहुत ही ज़्यादा शैतान टाइप का बच्चा था. दे सेड ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और ये सारे के सारे लोग आपस में क्या डिस्कस करते हैं, ओ माय गॉड ये कितना नॉटी बेबी है गोलू, ये ऐसे इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है जिसके हमारे पास आंसर्स नहीं होते हैं. वन डे गोलू मेट अ मिनाह बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. अब क्या है कि ये देखें आप, मिनाह बर्ड है ये, ठीक है. तो इस मिनाह बर्ड से ये पूछता है, जो कि बैठी हुई थी बुश के मिडल में बैठी हुई थी. अब ये इससे पूछता है कि व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. आप मुझे बताइए क्रोकोडाइल जो होता है वो क्या खाता है. ये क्रोकोडाइल है, ये क्या खाता है. द मिनाह सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर्स एंड फाइंड आउट. अब ये मिनाह बर्ड जो है ये गोलू को सजेस्ट करती है कि आपको अगर क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स जाननी है तो आप लिम्पोपो रिवर के बैंक्स मतलब किनारे पर जाइए और वहाँ पर क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए. गोलू वेंट होम ही टुक 100 sugar cans, 50 dozen bananas and 25 melons. अभी देखिए गोलू जो है घर जाता है और ये सारी चीज़ें कैरी कर लेता है. sugar cans ले लेता है, 50 dozen banana ले लेता है and 25 melon ले लेता है. Then he said to his family, good bye. अब वो अपनी फैमिली को क्या करता है, गुड बाय कर लेता है कि भाई आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. और मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, ग्रासी लिम्पोपो रिवर है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट व्हाट क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. अब देखिए कि गोलू के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ों को पता करने के क्यूरियसिटी है कि वो क्रोकोडाइल उसने कभी डायरेक्टली देखा नहीं है, तो वो क्रोकोडाइल को भी देख लेगा और साथ में उसकी ईटिंग हैबिट्स भी पूछ लेगा कि भाई वो क्या खाता है और कैसा दिखता है. तो फाइनली जो है वो इतनी सारी चीज़ें लेकर निकल जाता है. क्या क्या लेकर निकल जाता है, 100 sugar cans, 50 dozen bananas, 25 melons. ये याद रखिएगा बच्चे. चलिए, He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? अब ये देखिए python है तो ये python से पूछता है कि आपने क्या कभी crocodile को देखा है. What does he look like? कैसा दिखता है. What does he have for dinner? और वो खाने में क्या रखता है, क्या खाता है dinner में. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. अब ये जो अनकॉइल्ड का मतलब ये हो गया कि ये राउंड राउंड ये यहाँ पे ऐसे ट्री की जो ब्रांचेज होती है उसमें राउंड राउंड फंसा रहता है, ये अपने आप को अनकॉइल्ड करता है, वहाँ से मूव करता है एंड कहता कुछ भी नहीं है.
said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. अब क्या होता है, ये uncoiled हो जाता है, फिर से ये coiled होने के लिए गोलू इसकी मदद कर देता है, ये फिर से इस ट्री में ऐसे 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 फंस जाएगा राउंड राउंड, तो इसमें इसकी मदद कर देता है एंड पाइथन को भी क्या करता है, गुड बाय कर देता है कि भाई मैं तो लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ पता करने के लिए कि क्रोकोडाइल क्या खाता है. गोलू meets the crocodile face to face. He gets the python's help when he needs it most. अब देखिए जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है एंड ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट. जब उसे पाइथन की, जब उसे किसी की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो उसकी हेल्प करने कौन आता है, पाइथन उसकी हेल्प करने आता है. व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट मतलब जब उसे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है तो पाइथन उसकी हेल्प करता है. लेकिन गोलू को पता नहीं होता है कि पाइथन मुझे फॉलो कर रहा था. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर कैन बनानास एंड मेलन. अब देखिए आगे की जो स्टोरी है उसमें ये बताया जा रहा है, बताया जाएगा कि कैसे गोलू की लॉन्ग एंड यूजफुल नोज ग्रो हो जाती है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर कैन, और गोलू बहुत सारी सुगर कैंस कैरी करके लाया था, बनाना कैरी करके लाया था मिलन, और वो खाता रहता. कितनी सुगर कैंस थी, 100 सुगर कैंस और 50 dozen बनाना, एंड कितना था, 1 मिनट, ये देखिए ये बहुत ही इजी है. 100 sugar cane, 100 का हाफ 50 dozen बनाना और इसका हाफ 25 melon. ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं. चलिए तो फाइनली जो है, अब इस स्टोरी में आपको बताया जाएगा कि एलिफेंट के ट्रंक कैसे बनती है. आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर. फाइनली थोड़े दिनों के चलते 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 चलने के बाद फाइनली ये जो गोलू है ये लिम्पोपो रिवर पहुंच जाता है. ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. अब ये यहां पर पहुंच चुका है. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु बिंगड एट हिम, और वहां पर सचमुच का क्रोकोडाइल था जो कि बिंग क्या नहीं गया, अपनी पलक झपका झपका के उसको देख रहा था. एक्सक्यूज मी सेड गोलू. गोलू कहता है कि एक्सक्यूज मी, कृपया मतलब कि माफ़ करिए, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ़ करिए. सैड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. अब क्रोकोडाइल से ही पूछता है कि क्रोकोडाइल को देखा है आपने कभी. द क्रोकोडाइल बिंगड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. अभी देखिए क्रोकोडाइल जो होता है वो रिवर में होता है और उसकी जो टेल होती है वो थोड़ी सी मड में थी और थोड़ी सी वो हाफ टेल उसकी मट के बाहर दिखाई गई है. अब बिंग्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, पलक झपका झपका के देखना. अब ये जब गोलू उससे कहता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है. द क्रोकोडाइल बिंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. अब क्रोकोडाइल जो है इसको पलक झपका झपका के देख रहा था और इस क्या कर रहा है, अपनी हाफ टेल को उठाकर बाहर निकालता है मटके. कम हेयर लिटिल वन, सैड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस. अब वो क्रोकोडाइल कहता है, अरे मेरे प्यारे छोटे से एनिमल, आप जरा इधर आइए. सैड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा क्वेश्चन कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. I want to know. Come close, little one. For I am the crocodile. आप देखिए जो गोलू था उसने दो क्वेश्चन पूछे थे कि हैव यू एवर सीन क्रोकोडाइल, तो
इसने क्रोकोडाइल ने उसका आंसर कर दिया, आई एम द क्रोकोडाइल, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। अब देखिए, एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। अब जो है ये क्रोकोडाइल जो होता है वो क्या करता है, अपने झूठ मूठ के टीयर्स दिखाता है कि क्या दिखाने के लिए कि वही क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज एफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड। गोलू जो है थोड़ा सा डर भी गया था, बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, और किनारे फिर भी वो किनारे पर बैठ जाता है। यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। अब वो कहता है कि अरे आप ही वही पर्सन हैं जिनको मैं देखना चाहता था। मैं प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। ठीक है, मेरी बहुत ही ज़्यादा मन की इच्छा है कि मैं पता करूं कि आप डिनर में क्या खाते हैं। गोलू पूछता है क्रोकोडाइल से। गोलू कौन है? अ बेबी एलिफेंट। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। अब वो क्रोकोडाइल जो होता है वो आंसू निकालने लग जाता है। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू, आपको पता होगा डायलॉग। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने के होते हैं, है ना, वो सच में कोई दुखी वुखी नहीं था। अब वो क्या कहता है, आंसू निकालने लग जाता है, फिर क्या कहता है, कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर, यानी कि मैं आपको बहुत धीरे से आपके कान में बताऊंगा कि मैं आपके डिनर में क्या खाता हूँ, सेड द क्रोकोडाइल। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाई द नोज। अब देखिए क्या होता है कि क्रोकोडाइल उसको बातों बातों में आंसू दिखा के उसको अपने पास बुला लेता है, कहता है मैं तुम्हारे कान में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे मैं डिनर में क्या खाता हूँ, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत प्राइवेट चीज़ है और मैं आपके कान में बताऊंगा। और जब ये उस गोलू को अपने पास बुला लेता है तो उसको कहाँ से पकड़ता है, नोज से पकड़, उसकी नोज पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टूडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। अब वो कहता है हाँ आई थिंक, मुझे लगता है आज मेरा डिनर जो है ये बेबी एलिफेंट है, आज तो मैं आपको ही खाऊंगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू एकदम बेचारा ये चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि लेट मी गो, मुझे प्लीज़ जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे क्या कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड इफ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। आप जो है पाइथन जो है उसको तो अच्छे से पता था कि क्रोकोडाइल की हैबिट्स क्या हैं, बट ये उसको ये बता नहीं पाता है कि डिनर में वो क्या खाता है जब पाइथन से गोलू पूछता है। लेकिन पाइथन जो है बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है और ये क्या करता है, गोलू को फॉलो करते करते उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि पाइथन को लगता है कि क्रोकोडाइल इसको हर्ट कर सकता है, क्या पता इसको पूरा किल कर दे। तो अब ये पाइथन जो है इस गोलू की हेल्प करने के लिए पीछे पीछे आया हुआ था। हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो कि बिल्कुल शांति से गोलू को फॉलो कर रहा था। कैम टू द बैंक, बैंक के किनारे आता है एंड सेड इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड हैज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम। आप अगर, गोलू को कहता है अगर आप अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ में पुल नहीं करोगे पीछे की तरफ तो ये क्रोकोडाइल आपको क्या करेगा, पानी में ही खींच लेगा, स्ट्रीम में ही खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड एंड पुल्ड। अभी देखिए ये गोलू ऐसे बैठ जाता है, ठीक है, और ये अपने आप को पीछे की तरह पुल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि क्रोकोडाइल से वो कैसे भी अपने मतलब क्रोकोडाइल उसको कैसे भी छोड़ दे, वो पुल कर रहा है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ इट्स टेल एंड
ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड. अभी देखिए क्रोकोडाइल क्या है, वो अपनी टेल से इसको भी एलिफेंट को भी अपने वाटर में लेने की कोशिश कर रहा है पूरा, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है. और ये जो होता है एलिफेंट, ये भी अपनी नोज को उसने क्रोकोडाइल ने इसकी नोज पकड़ी हुई थी, तो ये भी अपनी नोज को क्रोकोडाइल से छुड़ाने के लिए ये बाहर की तरफ अपने आप को पुश कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है, नोज को पुल कर रहा होता है, और क्रोकोडाइल उसको वाटर की तरफ पुल कर रहा होता है. ठीक है, द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर. ठीक है, क्रोकोडाइल क्या होता है कि वो अभी थोड़ा बैंक के किनारे पर था, मतलब कि वो सॉरी बैंक तो ऑलरेडी किनारे ही होता है, रिवर के किनारे पर था, अब वो अपने आप को वाटर में ले जा रहा है, जिससे कि एलिफेंट एक बार वाटर में आएगा तो वो क्या होगा, एलिफेंट ज़्यादा टाइम तो वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहाँ पर ये इसको पूरा गिरफ्त में ले लेगा. तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, नोज को खींच रहे हैं. तो देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलूज स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर. अब क्या करता है, पाइथन क्वाइल्ड हो जाता है, गोलू के स्टमक में क्वाइल्ड हो जाता है. देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड, क्वाइल्ड यानी कि राउंड 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 इसके स्टमक पर पूरा ऐसे करके लिपट जाता है. और क्या करता है, कहता है गोलू लेट्स पुल हार्डर, और कहता है कि अब तुम जितना ज़्यादा पुल कर सकते हो उतना ज़्यादा पुल करो. गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड. अब ये जो गोलू की लेग्स हैं ये बिल्कुल डग यानी कि गड्ढे में नीचे मिट्टी में धंस जाती हैं, और अब ये बिल्कुल यहाँ पर अब इसको क्या है, सपोर्ट मिल जाता है. जब ये गड्ढे में ये चली गई हैं तो क्या होगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगा लेग्स को, तो फिर ये लेग आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी, और ये उसको अपनी नोज को खींचे जा रहा है. देन द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. अब क्या हो रहा है, ये नोज जो है बेचारी, ये इतनी छोटी सी थी, ये स्ट्रेच होती चली गई, होती चली गई, खींचती चली गई. एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, इट हर्ट गोलू. अब ये थोड़ा सा हर्ट तो कर रही थी, क्योंकि भाई जब किसी भी आपकी बॉडी के किसी भी मान लीजिए हैंड को अगर पुल किया जाएगा है ना, तो भी क्या होगा, पेन तो होगा, तो ये हर्ट कर रही थी गोलू को. लेकिन ये जितनी ज़्यादा पुल हो रही थी उतनी ज़्यादा लंबी होती चली जा रही थी. द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. अब जो है ये इसकी नोज जो है कितनी फीट हो जाती है, 5 feet लॉन्ग हो जाती है. लेकिन अब गोलू जो है वो क्रोकोडाइल की गिरफ्त से बाहर आ चुका है, फ्री हो गया. गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रैसी लिम्पोपो रिवर टू कूल. अब देखिए गोलू जो है वहीं पर आराम से बैठ जाता है विद हिज नोज रैप्ड अप इन द बिग बनाना लीफ, और इसकी नोज जो है वो उसको रैप कर रखा था, बिग बनाना लीफ से रैप किया हुआ था, क्योंकि उसकी नोज क्या हो गई थी, हर्ट हो गई थी. एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रैसी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और इसको क्या कर दिया गया था, इसी नोज को वहीं पर हंग कर लिया गया था, लटकाया गया था, क्या करने के लिए, लिम्पोपो रिवर के किनारे इसको ठंडा होने के लिए. मतलब जब भी कहीं चोट वोट लग जाती है तो क्या होता है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लड क्या होता है धीरे धीरे जम जाता है, तो वो वहाँ पे हर्ट भी जो हुआ होता है वो ठीक होने लग जाता है धीरे धीरे. गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक. अब जो है गोलू जो है वहाँ पर 2 दिन पूरा वेट करता है, लिम्पोपो के रिवर में ही रहता है गोलू, और उसके पास बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए थी तो वो खाता रहता है. एंड गोलू नोज कूल हो जाए, ठंडी हो जाए एंड श्रिंक हो जाए, मतलब छोटी हो जाए, उसकी नोज जैसी थी पहले की तरह हो जाए, ये वेट करता है. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. ये कूल तो हो गई, ठंडी तो हो गई, लेकिन ये श्रिंक बिल्कुल भी नहीं हुई. श्रिंक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम इस मतलब फैला देते हैं, खींच खींच के बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने ही स्ट्रक्चर को ले लेती है बाद में धीरे धीरे. ठीक है, फिर क्या है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई
केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. अभी देखिए कि अब इस ये जो ट्रंक बन गई है इसका यूज बताया जा रहा है इस स्टोरी में क्या है, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. क्या होता है कि एक फ्लाई आती है, मतलब इंसेक्ट आता है और गोलू के शोल्डर पर बैठ जाता है. अब देखिए कि गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. अभी देखिए अगर ये गोलू की ट्रंक नहीं होती तो क्या करता गोलू, उसको हटा नहीं पाता. गोलू अपनी ट्रंक को लिफ्ट करता है, उठाता है और उस फ्लाई को क्या करता है, डेड कर देता है, मार देता है. ठीक है. एडवांटेज नंबर वन, हिस्ट द पाइथन. अभी देखिए पाइथन है ये गोलू को क्या कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिव बनाना है बना रहा है, क्योंकि गोलू कह रहा है ओ माय गॉड मेरी नोज कैसी होगी, इतनी लंबी हो गई, मैं कैसा दिख रहा होऊंगा, मैं क्या करूं, है ना. तो पाइथन जो है वो उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे उस ट्रंक के वो बता रहा है. कहता है एडवांटेज नंबर वन, अगर आपकी सोल्जर पर अगर कोई छोटा मोटा एनिमल या कोई फ्लाई बैठेगा आके तो आप उसको हटा सकते हो. यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. अगर वो फ्लाई बैठती तो आप इस फ्लाई को हिट नहीं कर पाते छोटी सी नोज से. ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अभी देखिए कि ये जो पाइथन है ये बताता है एडवांटेज नंबर वन है, अब दूसरा ट्राई करो, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. अब ट्राई करो इस ट्रंक के द्वारा कुछ खाने का. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक को बाहर निकालता है एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अब ट्रंक से क्या करता है, एक बड़ा सा ग्रास का जो बंडल रखा होता है उसको ले लेता है. ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ. देखिए उसने कितना बड़ा काम किया, एक बंडल ग्रास का रखा हुआ है, ठीक है ये बंडल है, इसको अपनी ट्रंक से अपनी तरफ खींचता है, इसको अनबंडल्ड कर देता है यानी कि खोल देता है. और इस क्या होता है कि ग्रास में बहुत सारी मिट्टी लगी होती है ना, मड होती है, तो उसको क्या करता है, ही डस्टेड, इसको क्लीन कर लेता है. डस्टेड अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, अपनी फोर लेग्स पे बहुत तेज तेज से हिट करके इसका इसकी जो मड होती है उसको हटाता है. एंड स्टफ्ड, और पूरा अच्छे से स्टफ्ड यानी कि मतलब थोड़ा सा छोटा मतलब करके, जैसे कि हम लोग भी जब चपाती खाते हैं तो चपाती को पहले हम तोड़ते हैं और उसको थोड़ा सा छोटा सा बना के और फिर खाते हैं, तो ये भी क्या करता है स्टफ अपने हाथों में लेके उसको स्टफ मतलब माउथ को फुल कर लेता है. स्टफ का मतलब होता है फिलिंग, स्टफ का जो मतलब होता है वो फिलिंग होता है, अपने माउथ में फिल कर लेता है. एडवांटेज नंबर टू, अब एडवांटेज नंबर टू क्या था, आराम से अब जो ये एलिफेंट है ये किसी भी खाने की चीज़ को कोई दूर भी रखी होगी तो भी अपनी ट्रंक की हेल्प से लेके और आराम से उसको क्लीन करके और वो खा सकता है. हिस्ट द पाइथन, पाइथन इसको एडवांटेज नंबर टू बताता है. यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर पाते स्मॉल नोज से, आप ना तो बंडल उठा पाते स्मॉल नोज से और ना ही उसको क्लीन कर पाते. डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब अभी बहुत गर्मी हो चुकी है. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लेप्ड इट ऑन हिज हेड. अब क्या है कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो गोलू क्या करता है, गोलू उठता है और जो वहाँ की बैंक के किनारे की जो मड होती है वो कैसी होती है, वेट होती है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी, क्योंकि गीली मिट्टी होती है, इस मिट्टी को अपने ऊपर सिर पे थोड़ा सा उड़ेल लेता है, रख लेता है. एडवांटेज नंबर थ्री, मतलब कि वो मड को अगर गर्मी लगेगी तो अपने ऊपर थोड़ा सा उड़ेल लेगा जिससे कि उसका बॉडी जो है टेम्परेचर लो हो जाएगा. हिस्ट द पाइथन एडवांटेज नंबर थ्री कहता है लो. अब आप ये भी काम कर सकते हो एडवांटेज नंबर थ्री. नेक्स्ट है यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, आप इसको स्मॉल नोज के जरिए तो नहीं कर पाते.
Thank you, my Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember all this and now I will go back to my family. अब गोलू जो है पाइथन को बहुत बड़ा वाला थैंक्स बोलता है कि आपने मेरी यहाँ पर हेल्प किया के आपने आप मेरे इतने बड़े वेल विशर हो कि आप मेरे मुझे फॉलो करते हैं सिर्फ किस चीज़ के लिए कि मेरी मदद हो जाए और आप मुझे फॉलो करते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और क्या करता है आई विल रिमेम्बर ऑल दिस मैं आपकी जो आपने जो मदद की है आपने जो मुझे एडवांटेजेस ट्रंक के बताए हैं ये सारे मैं अपने माइंड में रखूँगा एंड मैं अब क्या करूँगा आई विल गो बैक टू माई फैमिली मैं अब अपनी फैमिली में जा रहा हूँ. चलिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स. अगेन स्टूडेंट्स योर एग्जाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ एंड एक्चुअली यू लिसन ऑल द एक्सप्लेनेशन थरोली बहुत आराम से बहुत ध्यान से डीपली ऑल द लाइन्स जितनी भी हैं जितना भी डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं वो सारी आप अगर सुन लेंगे चैप्टर सुन लीजिए है ना. शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा इफ़ यू लिसन द स्टोरी केयरफुली ठीक है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो हाफली एग्जाम के होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लेंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज ठीक है आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे तो थॉरो रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू एवरी वन हैव अ नाइस डे.